एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया या कार्यक्रमात प्रियंका चतुर्वेदी आणि पूनम महाजन यांच्यामध्ये चांगलंच वाग्युद्ध रंगलं. भाजप वॉशिंग मशीन नाही तर कचरा टाकायचा डब्बा झालाय असं वक्तव्य खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केलं आणि त्यांच्या याच प्रतिक्रियेला उत्तर देताना दोघींमध्ये चांगलीच कलगीतुरा रंगलाय. पाहूयात. अशोक चव्हाण को क्लीन चिट मिल जाता है. 40 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं. 26-27 साल हमने पार्टी में रहकर काम किया और जिनके ऊपर आपने पूरा आदर्श स्कैम का घोटाला लगाया वो आपके राज्यसभा उम्मीदवार होकर 24 घंटे के अंदर अंदर. तो 97% जो हैं आप EDIT केसेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं और वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन धुल जाती है. तो वॉशिंग मशीन नहीं रह गया, वो तो डस्टबिन बन गया है. और आप उनका इस्तेमाल कर कर आप सरकारें गिरा रहे हैं. तो ये लेफ्ट आइडिया हुआ या राइट आइडिया ऑफ इंडिया हुआ पता नहीं. सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रियंका जी बहुत जोरों शोरों से इंदिरा जी के बारे में कह रही हैं. इंदिरा जी को हम सब सम्मान करते हैं, उनको अपनी पुरानी पार्टी की भी यादें ताज़ा करनी होती क्योंकि अभी वो अलायंस में चली गई है. प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ बिट अनफेयर ऑफ यू. नो नो, आई एम सेइंग वी बोथ रिस्पेक्ट हर, सो दैट्स लेट मी पुट इट दिस वे. थैंक यू. एंड उसके बाद वो जब शिवसेना के बारे में बात करती है, उनको क्या पता 2014 में शिवसेना ने क्या किया, 2019 में शिवसेना ने क्या किया. एक तो आप उस कमरे में बैठी हुई थी ना मैं उस कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और मैं सब जगह थी. मैं तो सालों से पहली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हुई तो सबसे पहले मैं थी. एज बीइंग पूनम प्रमोद महाजन आई हैव सीन इट. और ये जो रघुकुलती ये जो आपकी सारी सदा रीत चली आई प्राण न जाए, तो आपने वचन जब प्रचार आपने फिर से एक बार वो प्रियंका जी देखना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बात हुई थी 50-50% की, ऐसे उन्होंने कहा. तो 50-50% की जब बात हुई जब हम चुनाव लड़े और हमारे ढाई साल मतलब 50-50% लेट मी जस्ट क्लियर इट. सी ढाई साल का सीएम नहीं कह रही हूँ मैं, उन्होंने पहले उद्धव जी ने कहा 50-50%. ओके, हम हर चीज में आधे आधे भाई इकट्ठे रहेंगे. तो मेरा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई मुझे शिवसैनिक दे नहीं रहा, आप जरूर दे पाएंगे मुझे, कि आने वाले समय में जब हम जीत के आए थे 2019 के चुनाव में, तो 22 नवंबर को जब 19 को सारे मेयर के पर्चे भरे गए थे, तो क्यों नहीं आपने ढाई साल के बाद कहा नहीं कि हमने भाजपा के साथ 50-50% का वादा किया है और जब 22 नवंबर को हमारा मेयर बदलेगा ढाई साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, तो हमारी तरफ से भी हमारा 50% होगा और आपकी तरफ से भी 50% होगा. जो चीज़ हमें पता नहीं है उस पर ऐसे ही अटकलें चलती रहेगी तो यही राजनीति होगी. और मैं ये सवाल, आपने इतने साले सारे सवाल उठाए और उनको इनका कहना होता है कि ऑपोजिशन में इनको बोलने नहीं देता है, तो आज उनको ये भी पता चला उनको ज़्यादा बोलने के लिए मिला. आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय कहे कि 2019 में क्या हुआ, ये आपको मैं फिर से दिल से कहना चाहती हूँ कि उद्धव जी इस सवाल का अब तक जवाब नहीं दे पाए. मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं हर चीज़ का सम्मान करती हूँ. आप हर वक्त ये सवाल पूछते हैं कि इनकी अलायंस हुई कि नहीं, उनकी अलायंस हुई नहीं, पीठ पे छुरा. 2014 में हम अलग क्यों हुए, 2009 के चुनाव में शिवसेना और भाजपा के साथ क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था. ये सम्मान बाला साहब ठाकरे के लिए इसीलिए है इसलिए भाजपा ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे वार होते हैं जो बिल्कुल एक मतलब सब देने के बाद भी आप उस रूप से स्वभाव आपका दिखाते हैं. दिस शोज द अपब्रिंगिंग ऑफ द पार्टी. देन वाओ, ये दुख की बात है. हमने सब कुछ दिया शिवसेना को, दिया नहीं मैम. अगर आप अपना थोड़ा इतिहास बीजेपी का भी याद रख लें, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति थी और आप कहां आए हैं. मैडम आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. आई मुझे दुख लग रहा है आप शिवसेना में 2019 कुछ दिया आपको. नहीं पूनम जी आपका वचन, आई थिंक इट हैज वर्क्ड बोथ वेज. 2019 अप्रैल में आप शिवसेना में आई हैं लेकिन सालों से आप शिवसेना के बारे में नहीं जानती. आप अभी स्पोक्सपर्सन बोल रहे I'm sorry again for you to assume I don't know what I'm talking about. I'm stating the facts. आगे बढ़ते हैं. So from 95's election to here, पूनम जी, I'm stating the facts. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.